हेलो माय लवली बेकर्स, वेलकम टू प्लेट ऑफ लव। आज की केक ना इस तरह की ऑर्डर थी कि मैं कभी भी नहीं सोची थी कि इस तरह की भी केक हो सकती है। हाँ, अभी आजकल तो कुछ भी मतलब नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल उसी तरह ही ये केक का ऑर्डर आया था। जब भी इस केक का मतलब ऑर्डर आया तो तुरंत मैंने वो कस्टमर जो थे वो लाइन पर थे, मैंने गूगल कर दिया फोटो स्पीकर पे डाल के उनको, ताकि मैं उनको हाँ बोल सकूँ कि हाँ मैं वही केक बना दूंगी। नहीं तो फिर अगर मुझसे नहीं होगा और मैं ऑर्डर ले लूंगी फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसीलिए मैंने तुरंत ही गूगल में सर्च कर दी और मिल गया। और उनको मैं पूछती तुरंत कि हाँ ये पूरा ये शेप में आपको चाहिए या फिर इसका एक डायग्राम होगा तो चलेगा। हाँ जी, आज की केक की ऑर्डर रेडियो केक था, जो कि कभी भी मतलब मैं सोची नहीं थी कि इस तरह केक भी मैं बनाऊंगी। इस तरह की केक्स की ऑर्डर जब भी आती है ना बहुत ही खुश लगता है, क्योंकि कुछ अलग बनाने को मिलता है और उसके साथ साथ आप लोगों के साथ भी कुछ अलग में शेयर भी कर पाऊंगी, तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। फिर भी आप लोग मिस कर देते हो कई सारे वीडियो, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक करने के लिए मत भूलिएगा। जब भी आपको लगेगा कि हाँ बहुत टाइम, ये तो ट्रू है कि डेली हमें टाइम नहीं मिलता है सब वीडियो देखने के लिए, तो जब भी हमें टाइम मिलेगा कभी और जो वीडियो आपको लगेगा कि हाँ इम्पोर्टेंट है, कुछ ये मतलब नया है, मैं तो हर दिन ट्राई करती हूँ कुछ नया नया दूँ, और जब भी कुछ कुछ कस्टमर की अकॉर्डिंग भी बनाना पड़ता है वो सब मैं शेयर करती हूँ। और आप उसी तरह करके नोटिफिकेशन में अगर आप अल क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन जाएगा, आप वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो इसके लिए मैं केक को पहले देख सकते हैं आइसिंग कर रही हूँ, और बटरस्कॉच फ्लेवर का था तो नॉर्मल वनीला स्पंज ली थी, शुगर सिरप से इसको सोक कर दी, शुगर सिरप में मैं थोड़ा सा बटरस्कॉच की एसेंस भी ऐड की थी, और फिर बटरस्कॉच की क्रश नट्स सब डाल के इसको मैं कर रही हूँ फिनिशिंग। और फिनिशिंग करने के बाद हमें फिर इसका डेकोरेशन भी करना है। तो देखिए आइसिंग हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो गई। इस केक की मतलब प्राइस वो उतना नहीं देते हैं, इतने में 300 में ली थी, उतना भी उनको ज़्यादा लगा, फिर भी मैं हाँ कर लेती हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए कुछ अलग बना पाऊँ। हर दिन तो ऐसा नहीं होगा अलग बनाने के चक्कर में मैं घर में केक बनाऊं और खाने को लिए मतलब कोई इतना राजी भी नहीं होते, तो इसीलिए मैं कम प्रॉफिट में भी बना लेती हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए ही। और ये देखिए मेरे पास ब्लैक कलर का फोंडेंट नहीं था, तो इसीलिए वाइट कलर में कलर मिक्स करने के लिए जब देखी तो मेरा जेल कलर ख़त्म हो गया था, उसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करके यूज़ कर दी, तो फोंडेंट के साथ जब भी पानी जाएगा ना ये काम करने में बहुत दिक्कत हो जाता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइलोज पाउडर ऐड कर दी। अगर टाइलोज पाउडर आपके पास नहीं है ना तो आप इसके जगह कॉर्नस्टार्च जो कि हम कॉर्नफ्लावर बोलते हैं उसको भी ऐड कर सकते हैं, और करके ब्लैक कलर की फोंडेंट बना ली और ये कॉर्नफ्लावर में डस्ट करके अभी कर रही हूँ वही जो था हमारा फोंडेंट उसको मैं कर रही हूँ रोल, क्योंकि इससे ही हमें बनाना है रेडियो का जो शेप होता है। और ये 2D वाला होगा, अगर 3D वाला होता तो बहुत ही प्राइस लग जाता। दूसरा उसके साथ साथ ये केक की ऑर्डर मुझे शाम को आया इवनिंग में 5:30 और उनको 7:30 को केक चाहिए था, फिर मुझे बेस भी बनानी थी, ये डिज़ाइन भी बनानी थी, और अभी थोड़ा सा घर में बहुत ही मतलब शिफ्टिंग वगैरह चल रही है, फिर भी मैं केक्स बना रही हूँ क्योंकि आपको आप लोगों के लिए कभी भी वीडियो मिस ना हो। जैसा भी हो मैं एक वीडियो तो डेली डालूँ, यही मेरा टारगेट रहता है। थोड़ा सा कुछ भी हो हेल्पफुल आपके लिए हो जाएगा, ये आदत हो गई है कि मतलब वीडियो नहीं डालूंगी ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ठीक है चलिए हमारा ये काम की तरफ जाते हैं। तो इसको रोल आउट करने के बाद फिर मैं ये जो एग्जैक्टो नाइफ होता है उससे मैं इसको कट कर रही हूँ, और इससे ये कट करने के लिए बहुत आसान हो जाता है, लेकिन ये मैं जल्दी जल्दी में कर रही थी तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए क्या हुआ ना ये ठीक से नहीं हो रहा था, मतलब उतना परफेक्ट नहीं आया था, लेकिन
ठीक ठाक कंप्लीट होने के बाद ठीक ठाक दिख रहा था। मैं जो पिक्चर का रेफरेंस भी ली थी ना, वो भी आपको एंड में दिखाऊंगी, इसीलिए आप देखते जाइए। उससे ये बिल्कुल सेम तो नहीं था, लेकिन 80% तक मैं सेम करने के लिए ट्राई की। और आप लोग ये भी कमेंट में बताइएगा कि कितना परसेंट मैं मैच कर पाई वही फोटो के साथ। और इस तरह कटिंग करके मैं इसकी रेडियो की शेप दे रही हूँ। और रेडियो का एक्चुअल में डिज़ाइन अभी भी मुझे बिल्कुल याद नहीं है, मैं वो फोटो के बेसिस पे ही कर रही थी और इतना टाइम भी नहीं था कि मैं और कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सकूँ, सर्च वगैरह कर सकूँ, और नहीं कर पा रही थी। फिर ये नीचे का पार्ट हो गया, फिर हैंडल तो एक चाहिए ही। हैंडल को कट करने के लिए सोची स्केल से पहले मार्क कर लूँगी, फिर वही नाइफ से इसको कट कर लूँगी ताकि जल्दी हो जाएगा। और इस तरह मार्क करने से पूरा एक स्ट्रेट लाइन भी मिल जाएगा। तो इसके लिए इसको कट कर दी। और हैंडल की मेजरमेंट के लिए इसके आगे मैं रख रही हूँ अभी हैंडल, और इसको कट करना है। और इसको सिर्फ पानी से, आप चाहे तो एक साथ इसको जोड़ भी सकते थे, लेकिन मुझे जल्दी जल्दी में यही काम आसान लगा, इसीलिए मैं इस तरह कर दी। और जो नीचे का पार्ट, मतलब नीचे का पार्ट था जो पतला वाला हम रेडियो का बनाए पहले, वो वाला ना पतला था, और ये मैं जल्दी जल्दी में मोटा भी बना ली हैंडल। फिर सोची हैंडल से थोड़ा सा मोटा होने से भी चल जाएगा, ठीक ठाक दिखेगा। और ये क्रीम के ऊपर कर रही थी तो इतना पता भी नहीं चलेगा। इतना करने के बाद जो सामने कैसेट दिखता है ना रेडियो में, सॉरी कैसेट या फिर वो नब होता है, हाँ सॉरी सॉरी कैसेट नहीं, वो नब होता है जो साउंड बढ़ाने के लिए, गाना चेंज करने के लिए, वो नब में वाइट कलर फॉन्डेंट से सोची बनाऊंगी। सोची नहीं, वो फोटो से मैं देखी थी। और इसके साथ साथ क्या ना, जिस तरह फोटो में था मैं बिल्कुल बना रही थी, और वाइट कलर की फॉन्डेंट भी मैं सेफ्ट करके रख दी थी। और ये फॉन्डेंट मैं ऑनलाइन खरीदी थी कॉन्फेक्ट का, जो कि अच्छा है लेकिन थोड़ा सा स्टिकी है, थोड़ा सा ज़्यादा सेफ्ट है। अगर उसमें आप थोड़ा सा कर्न स्टार्च या फिर टाइलोज ऐड कर देंगे ना, तो ये ठीक ठाक बड़ा अच्छा सा काम करता है। और फिर मुझे इसके लिए एक नोजल की ज़रूरत पड़ी कट करने के लिए, नब बनाने के लिए। कट करने के बाद इसको मैं अभी प्लेस करके पहले देख रही हूँ। आप जब भी इस तरह की काम करेंगे ना, तो आप रख कर पहले देखिए कहाँ पर किसको किस तरह रखना है, फिर पानी से स्टिक कीजिए, क्योंकि एक बार पानी लग गया ना तो इसको आपको हैंडल करने में बहुत परेशानी हो जाती है। फोंडेंट का यही एक मतलब प्रॉब्लम है। और आप चाहे तो इसके रिप्लेसमेंट में क्या कर सकते हैं ना, केक क्ले बना सकते हैं, जो कि मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ। अगर नहीं मतलब टाइम है तो बना सकते हैं, और उसमें खर्चा ज़्यादा नहीं है, क्योंकि केक से ही आप थोड़ा सा निकाल करके थोड़ा सा ग्लेज मिला करके कर सकते हैं। पाँच रुपए के अंदर आपका काम बन जाएगा, लेकिन मेहनत थोड़ा सा लगता है वो जो आटा गूंदने में उसी में। और वैसे भी अगर बोला जाए तो फोंडेंट को भी स्मूथ करने के लिए भी तो मेहनत भी लगती है, तो सेम ही है। आप थोड़ा सा आपका आपको अगर प्रॉफिट चाहिए ना, तो उसी तरह कर सकते हैं और डिज़ाइन के पैसे ले सकते हैं। और मैं ज़्यादातर उस तरह ही कर लेती हूँ, लेकिन आज मेरे पास टाइम नहीं था, इसीलिए मैं सोची मैं फोंडेंट से ही काम कर दूँगी। वो बनाने के लिए अभी टाइम नहीं था। तो फिर इसकी हैंडल मैं अभी सेट कर रही हूँ। सेट करते वक्त मुझे थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो गई, मैं साइड में थोड़ा सा लगा ली। अगर पहले से ये स्टिक कर लेती ना तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन जैसे तैसे वो मैनेज हो गया और केक कंप्लीट होने के बाद ठीक ठाक ही दिख रहा था। आप लोग भी देखोगे तो फिर बोलना कैसा था। और हाँ, आप लोगों को किस रिलेटेड वीडियो चाहिए ये कमेंट सेक्शन में आज ज़रूर बोलिए, मैं एक एक करके वीडियो ज़रूर लाऊंगी। ये कमेंट सेक्शन में कर देंगे कमेंट तो मुझे पता चल जाएगा कि उसी रिलेटेड वीडियो लाना है मुझे। और ये देखिए इस रेडियो का हमारा शेप हो गया। फिर मुझे थोड़ा सा ब्लैक कलर का क्रीम चाहिए था। रेडियो का जो सिग्नल होता है एक तार ऊपर की तरफ होता है, उसको बनाने के लिए ये मैं व्हिप्ड क्रीम में सिर्फ ब्लैक कलर ऐड करके ये कलर बना दी हूँ, और पानी थोड़ा सा ऐड कर दी हूँ ताकि ये लाइन जब खींचूं तो ये ठीक से बन जाए। ये मैं व्हिप्ड क्रीम में ही ऐड करके पानी थोड़ा सा कलर ब्लैक कलर का ब्लैक कलर बनाई हूँ।
कमेंट आया था कि कैसे ब्लैक कलर बनाती हूँ, इसी तरह ही बनाती हूँ। क्रीम में ब्लैक कलर थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ और इस तरह देखिए जिस तरह फोटो में था मैं बिल्कुल उसी तरह बना रही थी। मेरा ऊपर का पार्ट थोड़ा सा मतलब टेढ़ा था, मेरे हस्बैंड साइड में थे, मैं उनको पूछी कि कैसा दिख रहा है, मतलब रेडियो दिख तो रहा है ना, उन्होंने बोले कि हाँ रेडियो दिख रहा है लेकिन वो थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है, तो इसीलिए मैं वहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक कलर से फिल कर दी और फिल करने के बाद ये एडजस्ट हो गया और उतना पता नहीं चला। और केक का लुक इतने में मतलब बहुत ही सिंपल दिख रहा था, इसीलिए साइड में थोड़ी सी बॉर्डर बनानी थी, वही जो रेफरेंस में ली थी उसमें डार्क ब्लू कलर था, तो मैं इतना डार्क तो नहीं बनाई, लाइट ब्लू में एक नॉर्मल वाला जो नोजल आता है उससे मैं मतलब स्टार वाला नोजल उसको यूज करके मैं इस तरह ऊपर साइड में बॉर्डर बना ली और नीचे भी इस तरह बॉर्डर्स बना ली। इस केक की प्राइसिंग की बात करूँ तो ये मैं ली थी 300 और उसके साथ साथ वेट इसका हाफ किलो का था। 200 ग्राम में प्रीमिक्स यूज़ की थी, 200 ग्राम क्रीम आज यूज़ नहीं हुआ था क्योंकि क्रीम में कुछ डेकोरेशन नहीं था। मैं इसके लिए 170 ग्राम क्रीम में यूज़ की थी जिससे कि थोड़ा सा बच भी गया और फोंडेंट थोड़ा सा ही यूज हुआ था और इतने में हमारा केक का लुक कंप्लीट हो गया। देखिए ये मैं फोटो रेफरेंस ली थी और ये मैं बनाई, कैसा बनाया है जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी बेकिंग।